Hey guys, welcome back to the channel everyone. I hope you are doing absolutely amazing. तो guys, जब से e-sports की news आई है real cricket में, सारे real cricket fan बहुत ज़्यादा excited हैं और wait कर रहे हैं इस update के आने का. तो ये मेरा second video है e-sports के ऊपर. Last video में मैंने cover किया जो भी पूरी news चल रही है e-sports के ऊपर और अपनी पूरी analysis भी बताई थी. तो ये उसका extended part है, second part है. वो video जरूर देखना अगर आपको detail में समझना है e-sports exactly है क्या. इस video में हम बात करने वाले हैं मेरे क्या reviews है e-sports के ऊपर, ये आएगा या नहीं आएगा आने वाले अपडेट के अंदर, और क्या ये एक मेजर अपडेट हो सकता है रियल क्रिकेट के अंदर. तो चलो यार देखते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभिस्तान आर्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप बहुत कुछ मिस कर दोगे अगर आप नहीं जुड़े अभिस्तान आर्मी के साथ. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ई स्पोर्ट्स का जो इंक्लूजन है रियल क्रिकेट के अंदर, ये कितना बड़ा अपडेट है. देखो यार ये बहुत बड़ा अपडेट है, एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है रियल क्रिकेट के अंदर. दोस्तों पबजी आज इतना बड़ा ई स्पोर्ट्स क्यों है, क्योंकि वहां पे आप कम्पीट करते हैं इंटरनेशनली, वर्ल्ड के बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स आते हैं और आप कम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड, और जो जीतता है उसे रिकोगनाइज किया जाता है वर्ल्ड वाइड. तो ये रीजन है गाइज, अगर इसमें भी रियल क्रिकेट 20 के अंदर भी ऐसा कुछ आ जाता है जहां पे वर्ल्ड टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा, जो कि ऑब्वियसली बातें चल रही है ई सीरीज ऑर्गेनाइज करने की, अगर ऐसा कुछ होता है गाइज तो ना सिर्फ ये क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होगा, बल्कि जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं, एक दिन के वो लाखों कमा सकते हैं. और भाई कहा जाता है कि मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर, मनी से बड़ा मोटिवेशन इस दुनिया में और कुछ है नहीं. तो अगर ई स्पोर्ट्स का इंक्लूजन होता है फ्यूचर में रियल क्रिकेट के अंदर तो ना सिर्फ ये फाइनेंशियली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बल्कि और भी गेम डेवलपर्स को अट्रैक्ट करेगा कि वो आए और क्रिकेट में बढ़िया बढ़िया गेम्स बनाए और ई स्पोर्ट्स में उनके भी गेम को लेके जाए. सो गाइज इससे फर्क नहीं पड़ता आप WCC 3 के फैन है या फिर रियल क्रिकेट 20 के फैन है, एज अ ट्रू क्रिकेट फैन आप यही चाहेंगे कि ई स्पोर्ट्स का इंक्लूजन हो जाए रियल क्रिकेट 20 के अंदर और सारे क्रिकेट लवर्स जिनकी स्किल्स अच्छी हैं, जो अच्छा खेल लेते हैं गेम को, उनको बेनिफिट मिले. और गाइज ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा क्रिकेट फ्यूचर के लिए. तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्या ये अपडेट आएगा और अगर आएगा तो क्या चांसेस हैं अपडेट के आने के. देखो यार प्राइमरीली ये जो न्यूज मिली हमें एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से मिली है, वेबसाइट का नाम है ईस्पोर्ट्स इनसाइडर. अब क्योंकि ये थर्ड पार्टी वेबसाइट है आप इतना रिलाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस पे थोड़ा सा डाउट है, इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है रियल क्रिकेट 20 से. तो जब तक रियल क्रिकेट 20 सामने से आके ना बोल दे अपने सारे क्रिकेट फैंस को, ऑफिशियली डिक्लेयर ना कर दे अपने किसी भी सोशल मीडिया पेज पे, तब तक ये कहना कि 100% ये अपडेट आने वाला है ये शायद सही नहीं होगा. लेकिन क्योंकि बड़े बड़े नाम मेंशनड है यहाँ पर, CEO फाउंडर के नाम मेंशनड है, उनका स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत आप रिलाय इसके ऊपर कर सकते हो. मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी तक 40% चांसेस है कि ये अपडेट जो है आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन 100% कंफर्म होने के लिए अभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है रियल क्रिकेट 20 के तरफ से. तो गाइस चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ई स्पोर्ट्स के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है, ई स्पोर्ट्स इतना बड़ा क्यों है. देखो यार ई स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है ना जो पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट करता है, एक साथ जोड़ता है, और अगर इसको हम रियल क्रिकेट 20 के साथ जोड़ दें तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाएगा आपके गेम के एक्सपीरियंस को. फॉर एग्जाम्पल आप रियल क्रिकेट 20 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेल रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप मल्टीप्लेयर खेल रहे होंगे जहां पे आपका फ्रेंड कंट्रोल कर रहा होगा दूसरी टीम को, या फिर आप कंप्यूटर के साथ खेल रहे होंगे जहां पे कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होगा दूसरी टीम को. गाइस दोनों ही सिचुएशन में इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा. लेकिन इमेजिन कीजिए आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेल रहे हैं रियल क्रिकेट 20 के अंदर और पाकिस्तान टीम को कंट्रोल करने वाला है एक बंदा जो बैठा है पाकिस्तान में. गाइस बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा इस मैच को खेलने में, जीतने में. यार जीत हार तो देखो लगी रहती है, बट जो मजा होगा ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. गाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है ई स्पोर्ट्स, आपको ये वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है, आपके स्किल्स की रिस्पेक्ट होती है, रिकग्निशन मिलती है और रियालिटी की तरफ ये लेके जाता है, असलियत की तरफ लेके जाता है, जहां पे अगर आप जीतते हैं तो आपको खुशी मिलती है और अगर हारते हैं तो फ्रस्ट्रेशन मिलती है. ये चीज आपको मिलेगी सिर्फ तभी जब ई स्पोर्ट्स का इंक्लूजन हो जाएगा रियल क्रिकेट 20 के अंदर. सो एज अ ट्रू मोबाइल क्रिकेट फैन इससे फर्क नहीं पड़ता आप WCC 3 को फॉलो करते हैं, रियल क्रिकेट 20 को फॉलो करते हैं, किसी और गेम को फॉलो करते हैं, गाइज ये जो अपडेट है आना चाहिए. अगर ये अपडेट आ जाएगा रियल क्रिकेट 20 के अंदर तो सारे गेम्स में ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगा, रिकग्निशन मिलेगी क्रिकेट को, क्रिकेट भी इंक्लूड होगा और जो स्किल्स होंगे आपके अगर आप अच्छा खेलते हैं वो रिकग्नाइज किया जाएगा और ये देख के सभी को, सारे क्रिकेट फैंस को बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. तो गाइज उम्मीद करते हैं फ्यूचर में ये चीजें इंक्लूड हो जाए. कुछ भी और अगर आप
जानना चाहते हैं इस पूरे मैटर के ऊपर, इस पूरे अपडेट के ऊपर, तो मुझे पर्सनली आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, मैं आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। गाइस, वीडियो एंड करने के पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक यूट्यूबर थे स्टार ऑन कॉर्नर, थे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका जो चैनल है वो बैन हो चुका है। अब ये जो टर्म है बैन, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या गलत किया होगा उसने जिसके वजह से उनका चैनल बैन हो गया, मतलब टेक डाउन कर लिया गया, सीधा स्ट्राइक नहीं, सीधा टेक डाउन। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उसके पीछे और मुझे पता चला कि ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट भी ब्लॉक हो चुका है, बैन हो चुका है। ये न्यूज मुझे कल मिली और मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा क्योंकि ये जो क्रिएटर थे काफी अच्छे थे, एडिटिंग में काफी बढ़िया काम करते थे और ऐसा लगता था यार कि काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने वीडियो के पीछे। और जो भी बंदा मेहनत करता है अपने वीडियो के पीछे यार, बहुत बुरा लगता है अगर ऐसा कुछ होता है उसके साथ। सो गाइस, पॉइंट ये कि अगर आपके पास कोई भी अपडेटेड न्यूज है उसके बारे में या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज मेरे साथ शेयर करो क्योंकि मैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ ताकि जो कुछ भी कंफ्यूजन है, जो कुछ भी इशू है, वो आप सबके सामने आ सके। सो गाइस, दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, अभिस्थान आर्मी को ज्वाइन करो, जाके सब्सक्राइब का बटन दबाओ, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।